नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड विलिंगडन की। विलिंगडन, इनका टेन्योर था साल 1931 से 1936 तक, और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट्स में आज हम समझेंगे पूना पैक्ट की कहानी। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कम्युनल अवार्ड को डिटेल में समझा था और आज समझते हैं पूना पैक्ट के प्रोविजंस को। तो 1932 में कम्युनल अवार्ड्स अनाउंस होता है, जिसमें डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, जिसके बाद गांधी जी आमरण अनशन शुरू करते हैं अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड्स, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि कम्युनल अवार्ड्स से हिंदूज को डिवाइड करने की कोशिश है ब्रिटिश सरकार की। अब समय के साथ गांधी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर अम्बेडकर पर भी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था, जिसके बाद अम्बेडकर और गांधी जी में समझौता होता है जो था पूना पैक्ट इन द ईयर 1932, जिसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये रहे। पहला, 148 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया था फॉर डिप्रेस क्लासेस कैंडिडेट्स इन प्रोविंशियल असेंबलीज, साथ ही में डिप्रेस क्लासेस के कैंडिडेट्स जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते थे, और जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट होंगे बाय जॉइंट इलेक्टोरेट्स, नॉट बाय द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। दूसरा, 19% सीट्स को रिजर्व किया गया फॉर डिप्रेस क्लासेस इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ भी इलेक्शन जॉइंट इलेक्टोरेट से ही होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पूना पैक्ट के। इसके बाद 1932 में ही गांधी जी ने लॉन्च किया ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत से अनटचेबिलिटी जैसी दिमागी बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंक देना है। तो ये थी पूरी कहानी पूना पैक्ट की। विलिंगडन के टेन्योर के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी पास हुआ था, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो इनको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।